नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज मैं एक नए अभियान के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहता हूँ। उसी के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान योजना की शुरुआत होने जा रही है, और इसमें प्रत्येक विभाग की प्रत्येक योजनाओं की जानकारी रहेगी, किस किस तरह से हमें पूरा सर्वे करना है और क्या क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, सबकी जानकारी मैं आपको बताते रहूंगा, और इसकी पोर्टल पर किस तरह से ऑनलाइन एंट्री होगी। अच्छा, ये दोनों लोगों के लिए मैं बताऊंगा दोस्तों, आम नागरिक के लिए भी और अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी किस तरह से फिर सभी चीजें होंगी। यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सब चीजें मैं आपको बताते रहूंगा पूरे अभियान के दौरान। तो आज भी हम पूरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित, वो पूरे इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट्स अवगत कराते रहता हूँ, उसी के तहत दोस्तों आज एक नई योजना लॉन्च हो रही है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। एक नया सर्वे है, किस तरह से सर्वे के फॉर्मेट्स होंगे, किस तरह से ऑनलाइन एंट्री होगी, वो भी सब बताऊँगा। तो पहले हम एक महत्वपूर्ण आदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 5 सितंबर 2022 को ही निकला है। प्रति समस्त जिला कलेक्टर्स, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त आयुक्त नगर पालिका निगम, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद मध्य प्रदेश। विषय मेन यह है दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% मतलब 100% सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के संबंध में है, तो क्या है मेन अभियान दोस्तों, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। तो किस तरह से क्रियान्वित होगा वो देख लेते हैं। राज्य सरकार विकास, जन कल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय सीमा में पहुँचे, यही सुशासन का मूल्य ध्येय है। राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितंबर 2022 से, कब से अभियान शुरू हो रहा है, 17 सितंबर 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान कर इन योजनाओं में 100% सेचुरेशन लाया जावे, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना के लाभ से वंचित न रहे। अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अभियान के विषय में प्रमुख बिंदु जो हैं, अभियान का नाम रहेगा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। क्या रहेगा अभियान का नाम? रहेगा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। दिनांक 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जिले में अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब CEO, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए यथास्थिति जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर पालिक निगम अपर कलेक्टर, मुख्य नगर पालिक अधिकारी कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के लिए जिले के नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई CM हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है। मैंने इसलिए आपको सबसे पहले पोर्टल दिखाया, CM हेल्पलाइन पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से ही संपूर्ण जो कार्रवाई है वो की जानी है। अब किस तरह से की जानी है वो भी मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से पूरी ऑनलाइन एंट्री भी की जानी है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पूरी जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की, वो CM हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है।
पोर्टल में एक पृथक मॉड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रिएट करने की सुविधा दी गई है। मतलब हम एक लॉगिन बना सकते हैं, अधिकारी और नागरिक गण दोनों अलग अलग बना सकते हैं, आम नागरिक भी और अधिकारी कर्मचारी गण भी। तो वो एक लॉगिन करेंगे, लॉगिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड बनाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। पोर्टल का यूज़र मैनुअल परिचय क्रमांक 1 पर संलग्न है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जिन फ्लैगशिप हितग्राही मूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है उनकी सूची भी परिशिष्ट क्रमांक 2 पर संलग्न है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से इन सभी योजनाओं में 100% शत प्रतिशत सेचुरेशन लाया जाएगा। सेचुरेशन से अभिप्राय यह है कि सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना, ठीक है। परंतु ऐसी हितग्राही मूलक योजना जो लक्ष्य आधारित है, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मैं लक्ष्य के अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मान लीजिए लक्ष्य आधारित है, 10 आवास आए हैं तो 10 ही दे सकते हैं, है ना, इस तरह से। इसके बाद सर्वे दलों का गठन एवं सर्वे कार्य किस तरह से किया जाएगा, यह पूरी जो है बातें हम समझते हैं। प्रत्येक जिले में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों की पहचान हेतु प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड में सर्वे दल बनाकर भेजे जाएंगे। सर्वे दलों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सर्वे दल घर घर जाकर सर्वे करेंगे और चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त लाभों का सत्यापन कर गैप की पहचान करेंगे। सर्वे के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा जिला एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सर्वे का कार्य शिविर आयोजन के पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न कर लिया जाए, ठीक है। शिविर के पहले शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, तो उसके पहले सर्वे पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सर्वे दल तथा सर्वे दल के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संचालन तथा पोर्टल पर एंट्री का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और मैं भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिखाऊंगा किस तरह से पूरी एंट्री करना है, ठीक है। हितग्राहियों की जानकारी की पोर्टल पर एंट्री। सर्वे दलों के माध्यम से संभावित हितग्राहियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर अधिकारी लॉगिन सुविधा प्रदान की गई है। नागरिक भी अपने आवेदन स्वयं लॉगिन कर पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल में प्रत्यक्ष सुविधा दी गई है। मैं इसमें यह भी दिखाऊंगा किस तरह से आम नागरिक भी जो है अपने फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, सभी योजनाओं के जिसमें पात्र हैं। और अधिकारी कर्मचारी गण भी सर्वे कर जो ऑनलाइन फॉर्म करने हैं वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन। शिविर कब कब आयोजित किए जाएंगे, तो दिनांक 17 सितंबर 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रत्येक जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक शहरी वार्ड स्तर पर 2 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के आयोजन की तिथि एवं स्थान आदि के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर अंतिम निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। शिविरों के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक शिविर के पंजीयन की कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ये भी पूरी कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी, ठीक है। इसके बाद है प्रत्येक ग्राम पंचायत शहरी वार्ड स्तर पर शिविर हेतु कलेक्टर द्वारा एक शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का गठन किया जाएगा। शिविर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आयोजन का उत्तरदायित्व शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का होगा। शिविर पूर्व सूचना, सभी प्राप्त आवेदनों की पोर्टल में एंट्री तथा निराकरण हेतु विकासखंड नगरी निकाय स्तर पर भेजा जाने की कार्रवाई भी यही टीम करेगी। शिविरों की मॉनिटरिंग हेतु पर्याप्त संख्या में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे आवेदन जिनकी स्वीकृति ब्लॉक या जिला स्तर या निकाय स्तर से होना है उनके निराकरण की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारी की ही होगी। शिविर स्थल, शिविर तिथि, शिविर समय एवं शिविर में होने वाली कार्रवाई के संबंध में आम जनता को लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से जानकारी देने एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संभावित हितग्राही शिविर स्थल तक पहुंच सकें, ठीक है। शिविर में भाग लेने के लिए पोर्टल पर नागरिकों के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत पोर्टल पर नागरिक शिविर के पूर्व अपनी सुविधा अनुसार शिविर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम शिविर में प्राप्त आवेदनों में से, अब इसमें यह रहेगा दोस्तों, प्रथम शिविर में प्राप्त आवेदनों में से सत्यापन पश्चात जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है, ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा और उनका भी यथासंभव उसी दिन निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। द्वितीय शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर लगाया जाएगा जहां प्रथम शिविर आयोजित किया गया था।
द्वितीय शिविर के आयोजन के दौरान प्रथम शिविर में हितलाभ देने हेतु पात्र पाए गए आवेदकों को नियम अनुसार स्वीकृति पत्र हितलाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, शिविरों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति को रिमार्क आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत के आधार का विवरण देते हुए के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मतलब जो भी प्राप्त आवेदन है उनको स्वीकृत करना है या अस्वीकृत, जो भी योजना अंतर्गत पात्रता है उसके अंतर्गत स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों के आधार का विवरण देते हुए पोर्टल पर अपलोड करना है। सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव अंतिम निराकरण 31 अक्टूबर 2022 अथवा उससे पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जावे। निराकरण का मतलब यह है सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव अंतिम निराकरण 31 अक्टूबर 2022 अथवा उससे पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जावे। निराकरण का मतलब यह है मान लीजिए 100 आवेदन आए उसमें से 60 पात्र लोगों के हैं 40 अपात्र, तो सभी का निराकरण करना है। मतलब 60 मान लीजिए पात्र हैं तो उनका आवेदन पात्र कर उनको लाभ दिलाना है, 40 अपात्र हैं तो उनका अपात्रता कारण लिखते हुए पोर्टल पर दर्ज करना है। ठीक है, अन्य प्रमुख दिशा निर्देश क्या है? आवेदकों को संबंधित योजना का हितलाभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रदान किया जावे। मतलब जो योजना का लाभ देना आवेदकों को संबंधित योजना का हितलाभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही समारोह पूर्वक प्रदान किया जावे। सुनिश्चित किया जाए कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिविरों के माध्यम से 100% सेचुरेशन का लक्ष्य हासिल हो जाए, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई ना बरती जाए। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समाप्ति के पश्चात सभी जिला कलेक्टर्स एवं इस विषय का योजनावार प्रमाण पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे कि उनके जिले में प्रमाण पत्र जारी करने तक की स्थिति में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हो गया है और उनमें से पात्र पाए गए सभी हितग्राहियों को संबंधित योजना का लाभ प्रदान कर योजना में 100% सेचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। जिलों के प्रभारी मंत्रीगण अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी संभाग आयुक्त संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग स्तर पर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संचालन की नियमित समीक्षा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार जनहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे तथा अपने स्तर पर इसे नवाचार एवं पहल भी कर सकेंगे, जिससे अभियान के लक्ष्यों को समय सीमा प्राप्त करने में सहायता मिले और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले जिसकी वह पात्रता रखता है। इसके बाद अभियान के दौरान समग्र डेटाबेस में नागरिकों की EKYC कराए जाने का कार्य भी संपादित किया जाएगा। इसके संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश जारी किए जाएंगे, NIC द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश जारी किया जाएगा। इसी अभियान में हमें सारे जो समग्र ID, जैसे हमें पता ही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक व्यक्ति की जो है समग्र ID बनी हुई है, तो समग्र ID का EKYC भी करना है। जैसे आपने अभी देखा था कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य चल रहा है, इसी प्रकार EKYC जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी की जा रही है, तो इसी प्रकार अब समग्र ID की भी EKYC की जाएगी। ठीक है, अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने एवं समस्या का निराकरण हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है। उसके बाद दोस्तों उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है, अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। ठीक है, अब हम मेन फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से आप CM हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पूरी एंट्री कर सकें, अधिकारी कर्मचारीगण भी और जो आम नागरिक है वो भी किस तरह से एंट्री कर सके। ठीक है, तो ये देखिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राही मूलक योजनाओं की सूची, कौन कौन सी हितग्राही मूलक योजना है वो देख लेते हैं हम। क्रमांक है यहाँ से 1, 2, 3 इस तरह से रहेगा, योजना का नाम रहेगा यहाँ इस, और इधर भी विभाग का नाम किस विभाग से संबंधित है। जैसे पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना जिसको हम कर्मकार वो जिसे हम कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से जो हमने रजिस्टर कराए थे, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना वो पूरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री वो PM स्वनिधि योजना नगरीय विकास एवं आवास द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना,
छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग, बौद्धिक दिव्यांग के लिए आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, सभी कौन से विभाग में आएंगे? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, ये विभाग है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। बाकी इसका मेन जो ग्राम पंचायत से ही हम सारी जो है आवेदन करते हैं, मेन विभाग इनका जो है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो आयुष्मान भारत निरामयण मध्य प्रदेश, जो आयुष्मान कार्ड बनाने का जो कार्य है वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा है। लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये रहेगी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो खाद्यान्न का है और जो गल्ला खाद्यान्न वितरण है और जो गैस कनेक्शन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन उज्ज्वला योजना, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भवन सनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, ये श्रम विभाग है। तो जो कर्मकार मंडल कार्ड है दोस्तों, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भवन सनिर्माण श्रमिकों को पंजीयन जो करना है कर्मकार कार्ड के लिए, वो श्रम विभाग द्वारा, ये विभाग जरूर श्रम विभाग लिखे हैं लेकिन करना पंचायत ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव महोदय, सहायक सचिव महोदय, GRS महोदय, इनको ही करना रहता है। आहार अनुदान योजना, जनजाति कार्य, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन का, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारिता विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। दोस्तों ध्यान से देखिए क्योंकि एक एक योजना के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और मैं इनको बाद में डिटेल से भी बताऊँगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार ये सारी चीज़ें हमने देख ली, 33 योजनाओं की पूरी सूची दी हुई है और कौन सी योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है वो भी बताया गया है। इसके बाद दोस्तों मैं अगला वीडियो दिखाऊंगा आपको किस तरह से इसमें आम हितग्राही, आम आवेदक और अधिकारी कर्मचारीगण किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन किस तरह से कर सकें यूजर पासवर्ड के लिए। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के लिए बनाऊंगा, आम नागरिक भी और अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हर जानकारी से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।